जय, स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं छात्रावास अधीक्षक परीक्षा की तैयारी, जिसमें हम करेंगे संख्या पद्धति से अभी तक के प्रश्न आए हुए हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में। यदि आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो जब तक आप पुराने PYQ नहीं करेंगे तब तक आपका एग्जाम अच्छे से नहीं जाने वाला है। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप PYQ मतलब पुराने प्रश्न कर लीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगी। पहला प्रश्न लेंगे आज का, गुणनफल 3 के पावर 65, 6 के पावर 59 और 7 के पावर 71 में कौन सा इकाई अंक आएगा। ठीक है, तो इकाई अंक वाले से प्रश्न है। तो एक बात याद रखिएगा, आप यदि एक जिसके यदि जो भी संख्या का इकाई अंक एक है, ठीक है, 0 है 5 है और 6 है, अब इसका इकाई अंक इसका पावर आप जो भी रखिए, ठीक है, 1, 0, 5 और 6, इसका इकाई अंक का इसके अंक में इसके पावर में आप जितना भी संख्या रख लीजिए, लाख करोड़ 10 जो भी है, इसका इकाई अंक कभी भी चेंज नहीं होता। 6 का 6 हो जाएगा, 5 का 5, 0 का 0 और 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे संख्या हम बनाने कैसे हैं देखिए। तो ये सेंटर वाला है, 6 का तो 6 आ गया। अब हम देखेंगे 3 और 7 के लिए, ठीक है, 3 और 7 के लिए। तो इसका पावर कितना है, 65, तो इसके पावर को हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, तो ये 16 बार में चला जाएगा, 16 चौके 64। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, 1। अब इसी रिमाइंडर को हमको क्या लिखना है, इस 3 के ऊपर लिख देना है। ठीक है, अगला अब 7 की बारी आ गई, 7 है। अब इसकी प्रकार 7 को, सर इसकी पावर कितना, 71 है ना, 71 को 4 से भाग दे देंगे, तो 4 एकम 4, ये 4 एकम 4 हो गया, बचा कितना, 3 और 1, 4 एकम 4, 4 दिन 8, 4 तीन 12, 4 तीन 16, 4 पंच 20, 4 छः 24, 4 सत्तर 28, 4 सत्तर 28। ठीक है, 28 आया है, तो इसमें 4 के पावर कितना होगा, देखिए 28 आ गया, 28, 29, 30, 31, तो इसका पावर आपका बच जाएगा 3 बच जाएगा, मतलब रिमाइंडर आपका 3 बच जाएगा। तो इस 7 के पावर में आप 3 लिख दीजिए। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, इसका मैंने बेसिक क्लास बता दिया गया है, बता दी हूँ पहले से, नहीं पता तो देखिए, हर कोई भी चीज़ है हर 5वीं बार में, ठीक है, कोई भी चीज़ आने वाले 5वीं बार में, मतलब यदि किसी भी चीज़ को अगर 5 बार गुना करोगे तो वो अपने आप को रिपीट कर लेता है इकाई अंक में, इसलिए हम उसको 4 बार लेते हैं। ठीक है, अब 3 का गुना 1 बार करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, और 6 का तो 6 ही है। ठीक है, 7 का गुना 3 बार कीजिए तो 7 सत्ते 49, और 9 का पीछे 7 करेंगे तो 9 सत्ते 63, इकाई अंक लेना है तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा, तो 63 का हम यहाँ पे 3 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 3 18 और 8 3 24, तो इकाई अंक हो रहा है यहाँ पे 4। ठीक है, इकाई अंक यहाँ पे आ रहा है, इकाई अंक यहाँ पे 4 आ रहा है। ऐसे ही आपको शॉर्टकट बनाना है ना, बुक में आपको लिखा, अब बुक में कैसे बनाया होगा इसको देखिए, बुक में बनाया होगा 8 3 24, सॉरी 6 3 18 लिखा होगा, 18 के बाद यहाँ पे 3 गुना करेगा, फिर 18 3 54, लास्ट में 4 लिखा है। तो हमको इकाई अंक ही चाहिए, तो हम बड़ा बड़ा गुना क्यों करें। ठीक है, इकाई अंक ही चाहिए तो हम बड़ा बड़ा गुना क्यों करें, पावर को 1 कर लीजिए, उसके बाद आप सीधे गुना करके जाइए। संख्या 2013 के पावर 2019 के इकाई अंक स्थान क्या होगा। ठीक है, यदि यहाँ पे 2013 लिखा है तो आपको इकाई अंक से मतलब है, तो केवल और केवल यहाँ 3 लिखिए, हमको 2000 से कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ पावर पावर क्या लिया गया है, 2019 लिया गया। ठीक है, अब क्या करना है, क्योंकि 3 है, अब पावर को हमको 4 से भाग देना होता है, तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि 2000 को आप 4 से डिवाइड करके देखोगे फिर रिमाइंडर लिखोगे, ऐसा नहीं। 4 के डिवाइड करने का रूल है, यदि आपको लास्ट के 2 अंक देखना है ना, इससे भी कोई मतलब नहीं है, 4 से अगर डिवाइड करना है तो लास्ट के 3 अंक 2 अंक देखने होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 चौके 16, कितने बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 16 आ जाएगा, और घात आ जाएगा इसका 3, मतलब रिमेंबर रिमाइंडर 3 आ जाएगा। अब इसी 3 को यहाँ पे 3 रख दीजिए। ठीक है, 3 का गुना करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है, 3 दिया 9, 9 दिया 27, 3 दिया 9, 9 दिया 27, लास्ट में आ गया 7, लास्ट में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऐसा आपको बनाना है, और बुक में आप देखोगे तो बहुत लंबा चौड़ा आपको देखने को मिल जाएगा, आप चाहो तो बुक का भी प्रिफर कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे ही बनाना है यदि पास होना है तब। अगला प्रश्न है, 7 के पावर 95, 3 के पावर 58 में एन का इकाई स्थान क्या होगा, कहने का मतलब है यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो एन जो भी वैल्यू आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा। इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास है 7 के पावर 95 लिख दिया गया है, माइनस याद रखिएगा है माइनस है ना, और 3 के पावर 58 लिखा गया है। ठीक है, अब इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 4 एकम 4, और 4 3 12, उसका इकाई अंक हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, ठीक है,
अब इसमें हम इकाई अंक निकाल लेते हैं, तो आप सिंपली आप ऐसा भी निकाल सकते हैं इकाई अंक, ठीक है। तो चार एकम चार, चार दूनी आठ, बचा एक, ठीक है। चार तिया बारह, चार तिया बारह, ठीक है। इकाई अंक रिमाइंडर आ गया तीन, तो इस सात के ऊपर पावर लग जाएगा तीन, और यहाँ पे तीन है। अंठावन कितने बार में चला जाएगा, इसको भी निकाल सकते हैं, पाँच एकम पाँच, ठीक है। देखिए यदि आपको एग्जाम में ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए, है ना, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, तो चुपचाप जैसे हम बचपन में करते हैं वैसे कीजिएगा। ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका चार एकम चार, एक बार में गया, और ये आठ, ठीक है। चार चौके सोलह, चार चौके सोलह, दो बचा रिमाइंडर, तो यहाँ पे दो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सात को तीन बार गुना करेंगे तो सात सत्ते, पहले तो सात सत्ते उनचास, फिर से एक बार बचेगा तो उनचास और सात, नौ सत्ते तिरसठ, ठीक है। लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, तीन आ जाएगा लास्ट टाइम, क्या आ जाएगा इकाई अंक तीन आ जाएगा यहाँ पे, और तीन तीन नौ, ठीक है। अब देखिए हमें कभी भी आप देखिएगा इकाई अंक कभी भी माइनस में नहीं होता। हमने केवल इकाई अंक लिखा तो यहाँ कुछ तो होगा, ठीक है। हमने केवल इकाई अंक लिखा तो यहाँ तो कुछ तो होगा, और इकाई अंक से मतलब है, तो आप इस तीन को ना तेरह मान के चलिए, क्योंकि सामने कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। अब इस तेरह में नौ माइनस कीजिए, ठीक है। अब इस तेरह में नौ माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा फोर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, तिरसठ के पावर इक्यासी गुना सत्ताईस के पावर चौंतीस प्लस पच्चीस के पावर तिरासी में इकाई अंक क्या होगा। मैंने अभी बताया है आपको जीरो, सॉरी वन जीरो फाइव और सिक्स, इसके पावर कभी, इसके पावर आप जितना भी रख दीजिए इकाई अंक नेवर चेंज, इकाई अंक कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तब हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये प्लस है, पच्चीस है, आप कितना भी बार गुना करो या कितना भी बार इसको आप गुना कर लीजिए, पच्चीस का यहाँ पे पाँच का पाँच ही रहने वाला है, क्योंकि इकाई अंक यहाँ पे पाँच है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे इकाई अंक क्या है हमारे पास, सेवन है, मैं उल्टा चल रहा हूँ ना, इकाई अंक यहाँ पे सेवन है और चौंतीस है, तो चार से गुना करेंगे तो चार से भाग, चार एकम चार, चार ने आठ, चार थे बारह, चार अट्ठे बत्तीस होता है ना, चार अट्ठे बत्तीस होता है, और चौंतीस में बत्तीस गया दो बचा, तो यहाँ पे घात दो लगा लीजिए, रिमाइंडर बच गया, गुणा का चिन्ह है, ठीक है। अब इक्यासी को आप चार से काटिए, इक्यासी को चार से काटेंगे तो रिमाइंडर एक आएगा, क्या चार एकम चार, चार चार दुनिया आठ, रिमाइंडर आ जाएगा एक, अस्सी बार में कट जाएगा, रिमाइंडर एक आ जाएगा, और यहाँ यूनिट डिजिट कितना है थ्री, तो यहाँ पे आपको थ्री लिखना है और पावर लगाना है एक, ठीक है। पावर क्या लगाना है, पावर लगाना है एक। अब फिर से सॉल्व करेंगे तो तीन का तीन हो जाएगा, सात से उनचास, उनचास पूरा नहीं लिखना है, उनचास का इकाई अंक नौ लिखना है प्लस फाइव, ठीक है। नौ सत नौ तिया सत्ताईस, सत्ताईस में इस पाँच को गुना करेंगे तो सात पाँच बारह, इकाई अंक आपका आ जाएगा दो। इधर कुछ भी आ सकता है लेकिन हमको तो इकाई अंक से मतलब है, इकाई अंक आ जाएगा आपका दो। अगला प्रश्न, सात को सात से 107 बार गुना किया जाएगा तो इकाई अंक क्या होगा। कुछ नहीं कहा गया है, ये बस बोला ये गया है सात का पावर आपको 107 रखना है, इतना सॉल्व करने के बाद आपका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। हमको सात है, ठीक है, तो इसको दो अंक में देखिए चार से भाग दे के रिमाइंडर क्या बचता है, ठीक है। जीरो और सेवन है तो सात चार से भाग करेंगे तो चार चार एकम चार, रिमाइंडर आ जाएगा तीन, तीन आएगा सात सत्ते उनचास, और नौ को फिर से एक साथ गुना करेंगे तो नौ सत्ते तिरसठ। कुछ हमने गलत किया है क्या, क्योंकि आंसर आ नहीं रहा है, ठीक है। इसमें कुछ हमने गलत थोड़ी किया, क्योंकि इसमें आंसर आ नहीं रहा है, इनमें से कोई नहीं होगा, सही लिखा है हमने, है ना। रिमाइंडर तीन आ जाएगा तो सात सत्ते उनचास और नौ सत्ते तिरसठ आना चाहिए था तीन, ठीक है। यूनिट डिजिट आपका तीन आना चाहिए था, और न तो ये है न ये ना, नाप दिया बब, मैं अगला ऑप्शन मैंने नहीं नहीं बता पाया, ना नाप दिया बब आएगा इसमें। दो को कितने बार, दो को दो से पचास बार गुना किया जाएगा, ठीक है। गुना करने पर प्राप्त हुई संख्या के इकाई स्थान पर क्या होगा, कुछ भी नहीं, सेम प्रश्न है। दो को आपको पचास बार गुना करने मतलब दो के घात पचास करना है, ठीक है। चार से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका चार एकम चार, चार दुनिया आठ, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर इसमें बच जाएगा आपका दो, ठीक है। रिमाइंडर बच जाएगा दो, दो दूना चार, देखिए इतना ईजी है ये तो, ऑप्शन नंबर बी। कई बार प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जुड़वा अभाज्य है। जुड़वा अभाज्य का मतलब समझते हैं, दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए, साथ में इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो दो होना चाहिए, यही है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन और सात अभाज्य है लेकिन गेप दो नहीं है, पाँच और ग्यारह अभाज्य है लेकिन अंतर दो का नहीं है, सात और ग्यारह अभाज्य है लेकिन अंतर दो का नहीं है, पाँच और सात अभाज्य है और इसका अंतर दो है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पाँच और सात। सात सौ सत्तर को सात सौ सत्तर
का पावर रखने पर इकाई अंक क्या होगा, क्या लिखा गया प्रश्न में, 700 ये 70 है और 7.7 ठीक है, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इस 770 से हमको तो कोई लेना देना नहीं, हमको तो केवल 7 से लेना देना है। दूसरी बात, अब इस 770 से हमको 4 से डिवाइड करके देख लीजिए रिमाइंडर क्या रहा है, 770 लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए, 4 एकम 4 यहाँ पे आ गया 3 ठीक है। अब देखिए 36 रिमाइंडर आ गया 1, तो यहाँ पे पावर 1 रखिए, 7 का 1 का पावर 7 है तो 7 का 7 ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पुस्तक में निकाल के देखिएगा कितना आपको इसको टफ बना के बताया गया है ठीक है, पुस्तक का ही आप निकाल के देखिएगा। कई सब प्रश्न ऐसे जिसमें पुस्तक इतना टफ कर दिया गया है कि आपको दिक्कतें हो जाएंगी सॉल्व करने में। अगला प्रश्न, यदि एक्स बराबर 13 के घात 24, 68 के घात 57, 24 के घात 13 और 57 के घात 57 है, तो x के पूरे को सॉल्व करने पर x का इकाई अंक क्या होगा। यूनिट डिजिट वाला सवाल है, बहुत इजी से बनाएंगे है ना, बहुत खेलते हुए इस प्रश्न को बनाएंगे, कोई भी दिक्कतें आपको इसमें नहीं आने वाली है, आप लाइन से देखते जाइए। हाँ, लेकिन जब भी यूनिट डिजिट आएगा तो आप 1, 0, 5 और 6 को देख लीजिए कि यूनिट डिजिट में है क्या, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट में ये नहीं है, होता तो हम सीधा लिख देते। अब सबसे पहले हम चलते हैं 13 के पास, और 13 का तो हम 13 लिखना नहीं है, 13 का हम तो 3 लिखेंगे, 4 से कट जाएगा क्या बताइए, 4 एकम 4, 4 9, 4 के 12, 4 16, 8 के 24 होता है क्या जी, नहीं नहीं होगा, 4 5 20, 4 6 24, 4 5 20, 4 6 24 पूरा पूरा कट गया क्या। देखिए जब भी अगर पूरा पूरा कट जाएगा ना, उसकी स्थिति में आपको पावर 4 लेना है, जैसे 24 है ठीक है, 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, 4 5 20 होता है और 4 6 24, मतलब ये पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आपको घात 4 ही लेना है ठीक है, रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो आपको घात क्या लेना है, घात को 4 ही लेना है। अब यहाँ पे 68 है, 68 है तो 68 का 8 लेंगे, 57 को 4 से भाग करके देखिए रिमाइंडर क्या आता है, तो रिमाइंडर करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 4 हम 40 ये हो गया आपका 4 चौके 16, 1 बच जाएगा ठीक है, रिमाइंडर 1 बच जाएगा तो 1 लिख लीजिए। अगले बार फिर से हमको 4 मिल गया, 13 आ गया तो 4 3 12 या 13 है, फिर से एक रिमाइंडर आ गया ठीक है, यहाँ पे 7 है तो 7 लिख लीजिए। अब 57 में 4 से गुना करेंगे तो कितने बार चला जाएगा, 7 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, 4 एकम 4, फिर यहाँ पे 57 था ना, यहाँ भी 57 है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 ठीक है। एग्जाम में अगर ऐसा नहीं बनाना चाहते तो सीधा यहाँ पे नीचे 4 लिखना, ऐसे 4 लिखना, ऐसे 4 लिखना और इसको सॉल्व कर देना ठीक है। यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 0, यहाँ आपका रिमाइंडर आ जाएगा 1 ठीक है, यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 1 और यहाँ भी रिमाइंडर आ जाएगा 1 ठीक है। अब इसको घातों में लिखते जाइए ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिखना है, 4 को 3 3 9 ठीक है, 3 3 9, 3 3 9 9 81, तो इसका हो जाएगा आपका रिमाइंडर 1, 3 3 9, 3 3 का सेट बनाना 4 है, 3 3 9 9 81 तो ये 1 आ जाएगा। 8 का 8 ही लिखना है तो ये 4 का 4 ही हो जाएगा और 7 का 7 हो जाएगा ठीक है, ठीक हो जाएगा। अब 8 एकम 8, 8 चौके 32, 32 का आ गया 2 और 7 दूनी 14, तो 4 आ जाएगा इसका आंसर, क्या आ जाएगा 4। कैसे निकाला हमने, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 32 का 2 और 2 का गुना करेंगे 7 से, तो 7 दूनी 14, 14 का 4 ठीक है, इस प्रकार से निकालना है। गुणनफल इतने में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी ठीक है, आपको क्या निकालना है इसमें, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो जब भी आपको अभाज्य गुणन संख्या निकालनी होगी ठीक है, जब भी आप इसका अभाज्य गुणनखंड संख्या निकालनी होगा तो इसके पावर को हम ऐड कर देते हैं ठीक है, पावर को हम आपस में एक एक बढ़ा के ऐड करेंगे तो हमारा आंसर, या फिर पावर को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है, लेकिन बस अर्थ ये कि ये अभाज्य में हो, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, ना 7 है, केवल 7 अभाज्य है, 9 नहीं है, तब क्या करेंगे, 4 को अभाज्य में लाएंगे तो 2 × 2 ये हो जाएगा घात 9 ठीक है। 3 को से लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 घात 4 ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 7 का तो 7 है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 18 गुना 3 के पावर 4 दूनी 8 गुना 7 के पावर 7, तो ये हो जाएगा 7 ठीक है। अब इसके सभी को जोड़ दीजिए, 18, 8 और 7 को जोड़िए ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 33, कितना हो जाएगा 33, यही इसका उत्तर है ठीक है, ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का मतलब ये है कि जो अपने आप और एक से ही भाग जाए वो आपका अभाज्य संख्या कहलाता है, और इंग्लिश में प्राइम नंबर, क्या कहा मैंने, अपने आप से, स्वयं से और एक से भाग जाए, जैसे अभाज्य संख्या है हमारे पास 2, ये केवल 2 से जाएगा और 1 से जाएगा, 3 है 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, उसके बाद आपके पास 7 है 1 से जाएगा और
सात से जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 5 है, 9 है, 11 है, ये सब संख्या हमारी अभाज्य संख्या है, 13 की अभाज्य संख्या है, 19 की अभाज्य संख्या है, ये केवल अपने से जाती है और 19 से, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा, याद रखिएगा, इस जीवन में इस जितने भी नंबर सिस्टम है, जितने भी आपके सम संख्या है वो भाज्य संख्या है, ठीक है, और हमको अभाज्य पूछा गया है, तो जितने भी सम संख्या है वो तो क्या चीज है, भाज्य संख्या, तो ये उत्तर हमारा हो नहीं सकता। उसके बाद मैंने क्या कहा, वो एक और स्वयं से जाना चाहिए, लेकिन 5 का नियम हमको पता है, यदि लास्ट अंक 5 है तो 5 से भाग चला जाएगा, मतलब ये भी अभाज्य नहीं है, ठीक है। अब ऊपर संख्या देखिए, ऊपर क्या हम इसको 3 से कटा सकते हैं क्या, 3 से कटने के लिए इसका सम 3 से कटना चाहिए, 3 से 9 कट जाएगा, 5 और 1 6, ये भी 3 से कट जाएगा, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब देखिए हम यहाँ पे डी को कटाने की कोशिश करते हैं, 3 से ही कटाने की कोशिश करते हैं, 3 से कटाने की कोशिश करते हैं, तो 9 तो 3 से कट जाएगा, और 8 दूनी 16 और 15, है ना, 8 होता है और 8 सात 15 हो जाएगा, तो ये भी 3 से कट जाएगा, क्योंकि 0 को ऐड कर रहे हैं तो 15 ही हो रहा है, ठीक है, तो ये भी 3 से कट जाएगा, बचा हमारे पास ये है 1723, ये हमारा अभाज्य संख्या है। ये तो आप मैनुअली निकाल सकते हैं, लेकिन यदि आपको ऐसा कोई संख्या मिल जाए तो याद रखिएगा, कोई संख्या एन है, यदि आप उसको 6 से कटाए और 1 और यदि आपका 5 आ गया, ठीक है, रिमाइंडर, यदि एन कोई संख्या है, यदि रिमाइंडर 1 या फिर 5 आ गया, क्या कहा मैंने, 1 या फिर 5 आ गया, तो वो अभाज्य संख्या हो सकता है, क्या हो सकता है, वो अभाज्य संख्या हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन 1 और 5 की जगह कोई दूसरा आ गया, ठीक है, 1 और 5 की जगह अगर यदि कोई दूसरा आ गया, इसका मतलब ये है कि वो अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए 5 और 1 आ गया तो हो सकता है उसका और चेंज करने का नियम है, लेकिन 1 और 5 के अलावा कोई दूसरा आया, मतलब रिमाइंडर अगर 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो वो अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता। जैसे इसको 6 से भाग करके देखते हैं, ठीक है, 6 से कटाएंगे तो कट जाएगा, 6 से कटाएं इसके लिए आपका रूल है 2 से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए, ऐसा कुछ रूल होता है, ठीक है। तो आप सबको इसको 6 से भाग करके देख लीजिए, आपको 2 3 कोई भी रिमाइंडर मिलेगा, 1 और 5 नहीं मिलेगा। निम्नलिखित संख्या में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या 15 5 से कटता है, 3 से कटता है, ये तो सम संख्या है, सम संख्या तो भाज्य होती है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 19 हमारे एक अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है, कौन सी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, निकालने का ट्रिक क्या है, देखिए कैसे काटा सकते हैं इसको हम, अभाज्य संख्या कौन सी है ये हमको पता नहीं इसमें, ठीक है। तो ये जो 161 है आपके 7 से कट जाएगा क्या, 7 × 7, 7 × 2 = 14, 2 × 7 = 21, ठीक है, तो ये आपके 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। उसके बाद 147, ठीक है, ये 147 है, ये आपके किससे डिविजिबल है, 147 7 × 4 = 11, 11 × 1 = 12, तो ये 3 से कट जाएगा, ठीक है, 3 से कट जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 4 × 3 = 7, या फिर 7 × 3 = 10, 10 × 4 = 14, ठीक है, या फिर किससे कट जाएगा, ये या फिर 19 से कट रहा है, ठीक है, ये तो 19 से कट रहा है, तो ये भी आपके अभाज्य संख्या नहीं हुआ, अभाज्य संख्या आपका 373, क्या है, 373। अगला प्रश्न है, कितनी दो अंकी संख्या 6 से विभाजित होती है, ठीक है, कितनी दो अंक की संख्या है जो 6 से विभाजित होती है, तो दो अंक की संख्या कितनी है ये हमको बताना है, ठीक है। दो अंक की संख्या कितनी है, दो अंक की संख्या आपको पता है 10 से लेकर 99 तक की संख्या है, दो अंक की है, ये हमको बताना है, ठीक है। बुक में कैसा दिया है आपको मैं बता दूँ, उसके बाद मैं कैसे बनाता हूँ उसको आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। बुक में इसको निकालने का नियम क्या है, या फिर किस प्रकार से इसको बुक से निकाला जाता है, बुक में जो नियम है या फिर बुक वाले लिखते हैं उसको देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले जो बुक में हुआ नियम बताएंगे, फिर अपना वाला नियम बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 से कटने के लिए 12 है, 12 के बाद 18 है, ऐसा करने करते जाएंगे, तो ये कितने बार में कट जाएगा, ये 96 तक कटेगा, ठीक है। बीच बीच संख्या नहीं कटेगा, कुछ कटेगा, ठीक है। अब क्या होता है, आपको इसका पद की संख्या निकालनी होती है, मतलब कितने संख्या ये हमको निकालना होता है। पदों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट, ठीक है, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय से प्लस 1, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे करते हैं, लास्ट हमारे पास है, लास्ट संख्या 96 है, फर्स्ट संख्या 12 है, ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे और इसको प्लस कर देंगे,
अब इसको आप सॉल्व करके देखिए, 96 में 12 को माइनस कीजिए, 96 में 12 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 में 2 गया 4, फिर ये हो जाएगा आपका 84, ठीक है, क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा, ठीक है। तो 84 को आप 6 से भाग देंगे और 1 को गुना करेंगे, ये हो जाएगा 14, 6 ठीक है, तो ये आपका 14 बार में चला जाएगा, कितने बार में जाएगा, 14 बार में चला जाएगा, तो 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15, तो 15 संख्याएं हैं दो अंकों की जो 6 से विभाजित होती है, ये बुक में दिया गया है। अब हमारी संख्या देखिए हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, हमको पता है कि कितना अधिकतम संख्या है दो अंक का, तो दो अंक का अधिकतम संख्या 99। अब इसको हम क्या करेंगे, 6 से भाग दे देंगे, 6 से भाग देने से मतलब ये होता है कि इस 99 तक कितने ऐसी संख्या है जिसमें 6 है, ये निकल जाएगा, ठीक है। 6 से भाग देंगे तो हो जाएगा 6 कम 6 बचा 3 और निकाय 6 छक्के 36। अब रिमाइंडर को आपको कोई नजर नहीं कि क्या आने वाला है, कोई नजर नहीं है। तो हमारे पास आया 99 तक 16 संख्याएं हैं जिसमें 6 से भाग जा सकता है, ठीक है, 99 तक, ठीक है। लेकिन यदि हमने यहाँ 99 लिखे, इसका मतलब ये है कि ये 1 से 99 तक निकाला है। मैंने क्या कहा, यदि आप 99 को इस तरीके से भाग देते हैं 6 से, तो इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 99 तक 16 संख्याएं हैं जो 6 से भाग जाती है। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है कि दो अंक, तो एक से एक अंक की संख्या कौन सी जो 6 से भाग जा रहा है, 6, जबकि हमको पूछा है दो तक, तो इस 16 में एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15। यदि पूछा जाता कि दो अंक की कितनी संख्याएं हैं, दो अंक की कितनी संख्याएं हैं कि 6 से भाग चला जाए, तब उसका आंसर 16 होता, क्योंकि है ना, मतलब सॉरी, 1 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं हैं जो 6 से भाग जाती है, तब इसका आंसर 16 हो सकता था। लेकिन यहाँ पे लिमिट डाल दिया गया है दो अंक वाला, तो 6 तो एक अंक में है, इसलिए इसका उत्तर 14। अब इस ट्रिक से आप किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं। यदि आपको बोल दिया गया 4, 5, 6, 3, मान लेते हैं यहाँ पे यदि आपको 5 बोल दिया गया कि 1 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होती है, तो 5 को लख रखिए, 5 एकम 5, ठीक है, आया 4, ये हो जाएगा आपका 5 लिया 45, 5 लिया 45, रिमाइंडर आ जाएगा 4, रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है। तो 1 से लेकर 99 तक 19 संख्याएं हैं जो 5 से भाग जा सकती है, यदि इसमें 5 हो, तो ऐसा ट्रिक कभी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब ये प्रश्न आ गया, 237 के घात 123 प्लस 113 के घात 123, ठीक है, अर्थात 237 के घात 113 और 113 के घात 113, ऐसे में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। ऐसे में याद रखिएगा, जब भी ये a प्लस बी के फॉर्म में आ जाएगा और ये n जो लगा हुआ, यदि ये विषम संख्या है, यदि ये n विषम संख्या है, तो a प्लस बी जो होगा वही उसका उत्तर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 123, ये भी 123 और ये दो, है ना, ये दोनों क्या है, विषम संख्या है, और यहाँ पे आपको इक्वल रेंज दे दिया गया है, इक्वल नंबर, तब क्या करेंगे आप 237 और 113 को जोड़ दीजिए, इसको जोड़ने पर जो आंसर आएगा वही इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ। 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 3 10 हो जाएगा, यहाँ पे हाथ का आ जाएगा, 2 और 3 2 5 और ये हो जाएगा 3, तो 350 एक ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो दोनों में शामिल होगा। ये आपके बोर्ड मास के नियम पर बनने वाला है, बोर्ड मास के नियम पर बनेगा तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो यहाँ पे +2 -2, ये तो आपस में कट के मर गए, ठीक है। 6 7 42, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 42 आ जाएगा, ठीक है। 43 और 49, सॉरी ये 42 है ना, 43, 63 और 42 को प्लस करेंगे, सॉरी माइनस में रहेगा ना, सॉरी माइनस में रहेगा तो माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो 3 में 2 गया 1 और 6 में 4 गया 2, ठीक है। अब इसमें आपको 9 को प्लस करना है, 9 को प्लस करेंगे तो 30 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी 30। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी वे है, ये कैसे सॉल्व करना है देखिए, ये 1 लिखा है, ठीक है, उसके बाद है 1 के पावर 2, ठीक है। अब ये 2 का स्क्वायर लिख दिया है तो 1 के पावर 4 लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे 2 का घात 3 है तो ये हो जाएगा 1 के पावर 8, और यहाँ 2 का घात 4 है तो ये हो जाएगा आपका 16, तो 1 की घात 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 31 की घात 16 पहले से है, सबका एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा, यहाँ पे 16 लिखूँगा प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 8 दूनी 16, 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 माइनस ये हो जाएगा 31, 31 है ना, ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा, 31 है, इधर लिख देता हूँ। अब इन सभी को जोड़ेंगे, 16 8 34, ठीक है, 16 दूनी 32, तो यहाँ पे मैंने गलती से 16 लिख दिया हूँ क्या, वो 16 नहीं आएगा, वहाँ पे 1 आएगा,
ठीक है, यहाँ पे मैं गलती से 16 लिख दिया था, वहां पे एक आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे एक आ जाएगा और माइनस हो जाएगा 31, ठीक है, 16 8 और 31 को जोड़ेंगे तो 31 माइनस 31 हो जाएगा बटा 16, इसको पूरे को काटेंगे तो ये हो जाएगा 31 31 जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, 2 + 2 + 2, इसको 217 बार लिखा जाए तो आंसर क्या होगा। देखिए यदि सम टाइम होगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जैसे 2 - 2, ठीक है, ये दो बार लिखा आपस में कैंसिल हो गया, 2 - 2 + 2 - 2, ठीक है, ये सम टाइम लिखा है तो ये भी कट के आपस में माइनस हो जाएगा। अब यदि इसको हम विषम टाइम लिखते हैं, जैसे 5 बार लिख दिया मैंने, तो 2 - 2 + 2 - 2 + 2, ठीक है, ये माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, तो माइनस वाला आंसर लास्ट में बच जाएगा 2। तो ये 217 कितने ऑड है कि इवन है? ऑड है, ऑड है मतलब विषम टाइम है, तो 216 बार अगर लिखते तो आपस में कट मर जाते और 0 बचता, लेकिन लास्ट में +2 आ जाएगा, इसलिए आंसर आ जाएगा इसका +2। दो ऐसी संख्याएं जिनके जोड़े का वर्ग और जिनके वर्गों के जोड़े का अंतर 2 है, वे केवल काल्पनिक हो सकते हैं, कोई नहीं धनात्मक, तो इनमें से वो संख्या कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।